Assalamualaikum friends, my name is Mohammed Awais and today I am back with a new video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं iOS 16 के फीचर्स के बारे में. iOS 16 के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी होगी और हम साथ WWDC 2022 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो इनके कुछ ऐसे इन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं उनके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे. So without wasting more time, let's get start the video. So iOS 16 के पहले फीचर की मैं बात करूं तो वो आता है हमारे पास लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बारे में. iOS 16 के अंदर फर्स्ट टाइम हमें लॉक स्क्रीन के अंदर फोर एलिमेंट्स कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है. यानी कि पहले एलिमेंट हमारे पास आता है हमारी फोटो, जिसको हम 100% एडिट कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है हमारी क्लॉक को कस्टमाइज करने का, यानी क्लॉक का फॉन्ट और उसका जो है हम कलर भी कस्टमाइज कर पाएंगे. इसी के साथ जो चौथा और तीसरा हमारे पास है, इसके इन दोनों के अंदर ये नए हैं और iOS 16 के अंदर फर्स्ट टाइम लॉन्च किए जा रहे हैं. ये हैं विजिट्स और आप इस साल हमें जो है iOS 16 के अंदर लाइव एक्शन की भी, लाइव एक्टिविटीज़ की भी हमें एक ऑप्शन मिलेगी. पहले मैं आपको विजिट्स के बारे में बता दूं तो आप सबको पता है जैसे हम विजिट्स पहले ही देखते रहे हैं, iOS 15 के अंदर भी हमें विजिट्स मिलते थे, तो इस साल हमें लॉक स्क्रीन के अंदर भी विजिट्स मिला करेंगे. और मैं लाइव आपको एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊं तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो पीछे लाइव हो रही होती हैं, यानी कि जैसे स्कोर वगैरह होता है, उसके लिए टेम्परेरी विजिट्स अब हमें मिल जाया करेंगे, बजाय नोटिफिकेशन आने के एक विजिट बन जाया करेगा जहाँ पे एक टीम का स्कोर और दूसरी टीम का स्कोर हमें डिस्प्ले हो जाएगा टेम्परेरीली, और जैसे ही वो मैच खत्म होगा तो विजिट भी खत्म हो जाएगा. तो ये फर्स्ट जो थी एक फीचर था iOS 16 का. सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं. अपने नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो आ रहा है मैसेज की तरफ से. एज वी ऑल नो के मैसेज ऐप है एक iOS के अंदर, तो इस ऐप के अंदर मोस्ट डिमांडेड फीचर ये था कि हम जब किसी को मैसेज वगैरह सेंड करते थे उसको वापसी डिलीट नहीं कर पाते थे, तो iOS 16 के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलेगी कि हम उस मैसेज को वापस डिलीट भी कर सकें. लेकिन वो डिलीट का ऑप्शन नहीं हमें मिलेगा, हमें बेसिकली रीडू और अनडू के नाम से ऑप्शन मिलेगा. काम इनका सेम ही होगा, अगर आप अनडू करेंगे तो मैसेज जो होगा वो डिलीट हो जाएगा दोनों तरफ से, यूजर एंड से भी और जिसको हमने सेंड किया है रिसीवर एंड से भी, दोनों एंड से जो होगा ये डिलीट हो जाएगा मैसेज. अब दूसरी बात करें तो वो भी इससे काफ़ी सिमिलर है कि अगर आपसे कोई लफ्ज़ गलत लिखा गया आप उसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट जब करेंगे तो जैसे आप एडिट करके एंटर का बटन दबाएंगे तो वो जो मैसेज जो आपने पहले सेंड किया होगा बेसिकली वो मैसेज उस मैसेज से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन नया मैसेज सेंड नहीं होगा, वही मैसेज रहेगा. तो ये होगी दो चीज़ें. अब तीसरी चीज़ की बात करूँ तो वो बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं न्यू फीचर है iOS 16 का, जो कि है डिक्टेशन. अब बेसिकली पहले तो हम डिक्टेट करवाते हैं जैसे एंड्रॉयड के अंदर वॉइस के थ्रू, हम इसी तरह iOS के अंदर भी डिक्टेट करवा सकेंगे वॉइस के थ्रू. बट इसके अंदर हमें एक अच्छा चीज़ ये मिल रही है कि हम जब डिक्टेट करवाते हैं ना तो एंड्रॉयड के केस के अंदर हम अपना कीपैड यूज़ नहीं कर पाते, उस वक्त जो टच है वो हम यूज़ नहीं कर पाते. बट इस iOS के अंदर हम टच एंड वॉइस दोनों को यूज़ करते हुए जो है एक डॉक्यूमेंट बड़े अच्छे तरीके से बना पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा फीचर है iOS 16 का. सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं. अपने नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आ रहा है लाइव टेक्स्ट के बारे में. एज वी ऑल नो कि हम हर जगह से कॉपी वगैरह करते हैं टेक्स्ट, कभी हमने डॉक्यूमेंट से कर लिया, कभी हमने जो है अपनी फोटोज़ वगैरह से ले ली टेक्स्ट वगैरह, लेकिन अब iOS 16 के अंदर हमें लाइव टेक्स्ट की ऑप्शन जो है ये अवेलेबल होगी, जिसके अंदर हम YouTube से लेके किसी भी वीडियो के अंदर से टेक्स्ट को कॉपी कर सकेंगे और पेस्ट कर सकेंगे. सो ये बहुत अच्छा एक और फीचर है. सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं. अपने नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आ रहा है विजुअल लुकअप की तरफ से. विजुअल लुकअप एक iOS का एक फीचर था जो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, इसको अपग्रेड करके विजुअल लुकअप को थोड़ा अपग्रेड किया गया, और इसके अंदर अपग्रेडेशन ये है कि अब पहले आप जब किसी चीज़ को प्रेस करते थे एंड प्रेस एंड होल्ड रखते थे किसी पिक्चर को, तो आपको उस एलिमेंट के बारे में, उस पिक्चर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देता था. बट नाउ अब जब आप उसको किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को या स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल या किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को आप जब प्रेस करके रखेंगे तो वो उस चीज को, और प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो वो उस चीज को अलहदा कर देगा उस बैकग्राउंड से, और आप उसको अपने मैसेजेस के अंदर एज अ फोटो, एज अ स्टिकर भी यूज कर पाएंगे. तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है iOS 16 का. तो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ से, अपने नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो आ रहा है एप्पल की तरफ से कि एप्पल इज गिविंग अस एप्पल पे लेटर. आपको एप्पल पे के बारे में पहले पता होगा, और अगर नहीं पता तो एप्पल पे एक ऐसा पेमेंट ऐप है
जो एप्पल की बिल्ट इन है और एप्पल की तरफ से आती है, और ये एक आप कह सकते हैं पेमेंट मेथड है। तो एप्पल पे लेटर जो है वो एक ऐसा पेमेंट मेथड है जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगी आपके पास। आप इंस्टॉलमेंट्स एक चीज़ खरीद तो लेंगे लेकिन आप उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसकी जो प्राइस जो उसकी वैल्यू है वो आप पे करेंगे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। सो ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है। सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो भी iOS 16 का बड़ा ही मेन और अच्छा फीचर है और बड़ा यूजफुल फीचर है, मैप। हमने मैप को जो है हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आजकल तो हमें। सो मैप को अपग्रेड कर दिया गया है, और किस तरह अपग्रेड किया है ये आपको बताऊं तो तकरीबन 10 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके मैप रीडिज़ाइन किए गए हैं, और तकरीबन 20-25 ऐसी और कंट्रीज हैं जिनके मैप रीडिज़ाइन किए जा रहे हैं। iOS 16 जब लॉन्च किया जाएगा उस वक्त तकरीबन 10 जो कंट्रीज होंगी उनके मैप्स आपको अवेलेबल होंगे रीडिज़ाइन, लेकिन कुछ जो कंट्रीज रह जाएंगी उनके मैप बाद में रीडिज़ाइन कर दिए जाएंगे iOS 16 के अंदर ही। और इसी के साथ जो इनका स्ट्रीट व्यू था उसको भी इन्होंने बेहतर कर दिया है, इन्हेंस कर दिया है। नाइट और डे का जो है वो लुक जो है उसकी वो बेहतर हो गई है, तो आपको विजुअल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। सो अब अपने नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो आ रही है iCloud की तरफ से। iCloud का तो आप सबको पता होगा कि iCloud एक ऐसी मेन चीज़ है जिसके बगैर iOS नहीं चल सकता। तो iCloud जो है इसी की एक छोटी सी उन्होंने एक आप कह लें आगे चेन निकाल दी है या एक टर्म निकाल दी है। शेयर्ड आईडी नहीं, शेयर्ड लाइब्रेरी होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर होगा क्या, लाइब्रेरी हमें जैसे पता है कि एक जगह होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती हैं, अलग अलग भी आप कर सकते हैं उनको। सो iCloud शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर 5% आपकी फैमिली के अंदर होंगे। आप एक पिक्चर क्लिक करेंगे या पिक्चर कोई एडिट करेंगे, अगर आप उसको अपलोड करेंगे शेयर्ड आईडी के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी जितने भी बंदे होंगे जिन जिन के पास वो आईडी है उनके पास वो पिक्चर चली जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे हम गूगल फोटोज़ पे अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपलोड होता है, इसी तरह शेयर्ड आईडी पर वो सबके पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और अगर कोई बंदा इन उनमें से भी एडिट करता है, यानी कि इसका कोई एडमिन नहीं है लेकिन अगर कोई बंदा इनमें से भी एडिट करता है तो वो भी शेयर कर सकेगा और उसकी भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएंगी फोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह। सो ये भी एक बड़ी अच्छी iOS 16 के अंदर अपडेट है। सो अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो आपको जैसे कि पता है कि आईफोन हमेशा से प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर समझता है, और है भी काफ़ी हद तक एंड्रॉयड और बाकी मोबाइल कंपनी से। सो बेसिकली इस साल iOS 16 के अंदर हमें एक फीचर मिलेगा जिसको सेफ्टी चेकअप कहा जाता है। अब ये गूगल जैसा नहीं है लेकिन इसके अंदर हमें क्या होगा कि अगर हम एक सेफ्टी चेकअप के अंदर सिर्फ वन क्लिक पे हमारे पास जितनी हमारी आईडीज़ होंगी, जिस जिसके पास होगी, हमने जो चीज़ किसी के साथ शेयर की हुई अपनी आईडीज़ वगैरह जो भी कुछ है, एक क्लिक पे सिर्फ सिंगल क्लिक पे हर चीज़ फिनिश, कुछ भी नहीं रहेगा किसी के पास, हमारा कोई डाटा नहीं रहेगा सिर्फ वन क्लिक पे, और हम अपने मोबाइल से लॉग आउट नहीं होंगे क्योंकि वो हम यूज़ कर रहे होंगे। जिस मोबाइल से ये किया जाएगा वो मोबाइल लॉग आउट नहीं होगा, बाकी सारे मोबाइल से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपका डाटा। सो ये भी बड़ी एक अच्छा iOS 16 का एक और फीचर है। तो ये तो कुछ हो गए iOS 16 के न्यू फीचर्स, और मेन जो मेन बड़े बड़े जो फीचर्स थे वो यही थे। सो अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ WWDC के कुछ मेन पॉइंट्स। बेसिकली WWDC के अंदर M2 चिप को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यह एक हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस वक्त का वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है जिसके अंदर LPDDR5X यानी कि अभी तक की सबसे फास्ट टाइप ऑफ रैम यूज़ की गई है, और सेकेंड जनरेशन रैम यूज़ की गई है इसके अंदर LPDDR5X की। इसके अंदर हमें 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन मिलती है जिसकी वजह से पावर एफिशिएंट बहुत ज़्यादा है और आपको जो परफॉर्मेंस है वो उससे भी ज़्यादा डबल देता है। तो ये बहुत कमाल है कि पावर एफिशिएंट है और आपको जो है परफॉर्मेंस उसके अंदर कोई भी कमी नहीं मिलती। इसी के साथ वॉच OS 9 का भी इन्होंने लॉन्च कर दिया था, और वॉच OS 9 जो है इन्होंने फिलहाल बीटा वर्जन जो है डेवलपर्स के लिए अभी अलाउ कर दिया है, और तकरीबन नेक्स्ट मंथ या उससे भी नेक्स्ट मंथ जो होगा ये पब्लिकली बीटा वर्जन आपको मिल जाएगा iOS 16 का भी और OS 9 का भी। तो
वॉच ओएस 9 का भी आपको मिल जाएगा और आईओएस 16 का भी मिल जाएगा। जरा वॉच ओएस 9 के बारे में आपको बता दूं तो वॉच ओएस 9 के अंदर हमें कुछ नई नई चीज़ें मिलती हैं, उनमें से कुछ विजिट्स हमें नई न्यू मिलेंगे, कुछ ऐप्स हैं और कुछ हमें जो है हमारे वॉलपेपर्स हैं वो न्यू मिलेंगे। इसी के साथ छोटी छोटी और अपग्रेडेशन है जिनको डिस्कस मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके अंदर भी इंटरेस्ट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वैसे मैंने आईफोन 14 की वीडियो अपलोड कर दी भी है कि आईफोन 14 100% इसी डिज़ाइन के अंदर लॉन्च होगा और इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा, वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं पसंद आती तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्यों नहीं पसंद आई। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। और बाकी यार पसीना बड़ा आया, एक लाइक ज़रूर करना, अल्लाह हाफिज़।